थ्री इडियट्स का सीक्वल आ रहा है, लिख के ले ले। आजकल क्या है कि बॉलीवुड में ये ट्रेंड चल रहा है जिसमें अच्छी खासी फिल्मों का सीक्वल बना के उसका कबाड़ा किया जा रहा है। अब हेरा फेरी 3 को ही देख लो, माना कि हमें इसका पार्ट 3 चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें पॉटी पे धनिया डाल के दे दोगे। ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अब भाई लोग, मैं ये गड़े मुर्दे इसीलिए उखाड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते से थ्री इडियट के सीक्वल को लेकर इंटरनेट पर जोरों से बवाल हो रहा है। तो तुम लोग भी कंफ्यूजन में होंगे कि यार हो क्या रहा है, पर टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, आज तुम्हारे थ्री इडियट के सीक्वल को लेकर सारे डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यार, इस कान का जन्म तब हुआ था जब अपने राजू यानी शर्मन जोशी की फिल्म कॉन्ग्रेचुलेशन 3 फरवरी को आई थी। तो इस फिल्म के सिलसिले में शर्मन जोशी ने ये वीडियो डाला था जिसमें ये थ्री इडियट्स कितने दिनों के बाद एक साथ आए थे। वैसे इनके कपड़े देखकर और पीछे का स्टेडियम देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट खेलने वाले हैं। एक मिनट, कहीं ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भर्ती तो नहीं हो रहे है? जा पूछ क्या, क्योंकि आजकल हर बड़ा चेहरा क्रिकेट खेल रहा है। खैर छोड़ो, तो इसी वीडियो के बाद फिल्मी मार्केट में ये खबरें फैलने लगी कि थ्री इडियट का सीक्वल आ रहा है। पर फिर भी मैं कंफ्यूजन में ही था कि शर्मन जोशी की मूवी को प्रमोट करने के लिए खुद आर माधवन और साक्षात अपने सन्यासी आमिर खान कैसे आ सकते हैं। असंभव, असंभव। पर कल ही इन तीनों की एक एड इंटरनेट पर वायरल चली गई जिसमें स्मार्ट ड्रीम 11 के बिजनेसमैन थ्री इडियट का फेम लेकर अपना प्रमोशन कर रहे हैं और इनके कपड़े और जगह भी सेम सेम है। तू समझा? हाँ। मतलब भाई लोग अपने राजू ने रैंचो और फरहान से फ्री में प्रमोशन करवा लिया। This is business. पर अभी तो बस धीमी सी आग चल रही थी जिसमें सभी अपने हाथ सेक रहे थे। पर थ्री इडियट को मेरी प्रजाति के जीवो ने भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है क्योंकि भाई लोग थ्री इडियट के सीक्वल को लेकर इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का भी रिएक्शन आ गया जिसमें उन्होंने शॉकिंगली सीधा सीधा कह डाला कि ये 3 इडियट्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और मेरे को बुलाया भी नहीं। उसके बाद वायरस यानी कि बोमन ईरानी और जावेद अंसारी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है और यार सभी ने यही कहा कि ये तीनों अकेले फिल्म कैसे बना सकती है, हमें भी सीक्वल में लेना पड़ेगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? वैसे मुझे तो इनके रिएक्शन में एक गहरी चाल लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये पब्लिक से कह रहे हो कि जिस तरह से तुमने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के मेकर्स को हेरा फेरी के सीक्वल के लिए राजी किया है, उसी तरह थ्री इडियट्स के मेकर्स को भी जल्दी से सीक्वल बनाने के लिए मजबूर करो ताकि हम सब मिल के थ्री इडियट जैसी ग्रेट फिल्म की भी माँ बहन कर सके। वैसे मैं तुमको बता दूं कि पब्लिक पर इसका असर हो गया है और अब लगता है कि फिर से ट्विटर पर फुकरे शहजादे थ्री इडियट्स के सीक्वल को बनाने के लिए ट्रेंड चलाएंगे। वैसे इनके पास इतना टाइम आता कहाँ से है, काम धंधे नहीं करते? जब देखो तब ट्विटर पर लगे रहते हैं, कोई भी नई बात आई नहीं कि इन फुकरे शहजादों ने फालतू में उसका ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो माय लॉर्ड, इस तरह से इस सीक्वल की आग अपने फिल्मी जंगल में फैली है और मेरे प्रजाति के सभी जीव इंक्लूडिंग मी, हम सभी मिलके इस आग में तेल डाल रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि जिसको लेकर इतनी सारी भसड़ हो रही है वो थ्री इडियट का सीक्वल वाकई में बनने वाला है या फिर नहीं। तो देखो बेटा, ऐसा है कि ये सारी करामत ड्रीम 11 की है और फिल्म के एक्चुअल मेकर्स का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर चुल मची हुई है ये सुनने के लिए कि हाँ थ्री इडियट्स का सीक्वल बन रहा है, पर सैडली ऐसा नहीं है। और वैसे भी लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान ने लंबा संन्यास लेने का ऐलान किया है, यानी कि वो अब फिल्में नहीं बनाएंगे कुछ सालों के लिए, पर विमल कुमार की तरह एड प्रमोशन करके हमारा दिल जरूर जलाएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अपने ग्रेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी एसआरके के साथ डंकी में बिजी है और मुझे नहीं लगता है कि अक्षय की तरह आमिर फराज सामजी जैसे महान डायरेक्टर को कास्ट करने की गलती भी करेंगे। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही निकलता है कि वस इसका सीक्वल नहीं निकलने वाला, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। और रोहित मेहरा की तरह मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, यानी कि मेरे पास उनकी फ्यूचर देखने वाली मशीन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में इसका सीक्वल बन जाए। वैसे जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डालकर तुमसे पूछा था कि तुम्हें इसका सीक्वल चाहिए या फिर नहीं, तो तुम में से 80% से भी ज्यादा लोगों को इसका सीक्वल चाहिए। पर अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे इसका सीक्वल बिल्कुल नहीं चाहिए। थ्री इडियट बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिसका नाम हमेशा ग्रेट फिल्मों में रहेगा ही। थ्री इडियट में इंडियन एजुकेशन की जो इस वक्त हालत है और जो हमेशा इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के साथ करता आया है, उन सब चीजों को इमोशन के साथ बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। साला जो बच्चा अपनी पैंट ठीक से संभाल नहीं पाता, उसके पीठ पर उसके वजन से भी ज्यादा किताबों का वेट दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें थ्री इडियट में मिल जाता है। ऐसी फिल्में बस एक पार्ट में ही बननी चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि यार पार्ट 2 में अपने तीनों इडियट स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे और इसलिए जबरदस्ती में इसका पार्ट 2 बने ऐसा नहीं चाहता। वैसे भालू, थ्री इडियट पर
मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें करनी थी, पर वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसके सीक्वल को लेकर मेरी पर्सनल राय तो तुमने जान ली, पर तुम पर्सनली इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में विस्तार से बता। और साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक मारो, वीडियो को शेयर भी जरूर करो अपने फूकरे दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, कब करोगे। नहीं मतलब ये वर्ड बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ और तुम सुनते सुनते थक गए होगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दो। तो फिर मैं चलता हूँ, फिर से एक बार थ्री इडियट देखनी है मुझे, और मेरी मानो तो तुम भी एक बार थ्री इडियट देख ही लो।